जो किसी भी नाउन के साथ यूज किया चीज़ की विशेषता में कुछ ऐड करता है या फिर उसके मतलब में कुछ ऐड करता है एडजेक्टिव नॉट ओनली डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग बट ऑल्सो पॉइंट आउट द नाउन जो एडजेक्टिव होता है वो सिर्फ उस व्यक्ति की विशेषता या फिर जगह की विशेषता नहीं बताते बट हम वो नाउन को भी पॉइंट करता है दे आर ऑल्सो यूज विथ नाउन्स और वो किसके साथ यूज होते हैं नाउन्स के साथ भी यूज होते हैं फॉर एग्जाम्पल दिस मैन इज अ लॉयर ये जो व्यक्ति है वो क्या है लॉयर है सो so, दिस Here, this is pointing out the noun. Okay, what job does your father do? father kya So here, what is asking a question about the noun? Okay, it means what is used here to ask ask a question about her father? Okay, the main kinds of adjective are. Okay, now we will read about the main kinds of adjective. First one, demonstrative adjective. What are demonstrative adjectives? दिस एडजटिव पॉइंट आउट विच पर्सन और थिंग इज मैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एक्जेक्टिव हमें बताता है कि हम किस व्यक्ति या फिर चीज के बारे में बात कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल दिस बॉय इज स्ट्रॉर दैन हरी ये लड़का पर्टिकुलरली वी आर टॉकिंग अबाउट अ बॉय दैन वी विल यूज दिस बॉय इज स्ट्रॉगर दैन हरी ये लड़का हरी से ज़्यादा स्ट्रांग है दैट बॉय इज इंडस्ट्रियज वो लड़का इंडस्ट्रियज है ठीक है सो वी डो नॉट हियर वी आर नॉट पॉइंटिंग

दिस एंडट आर यूज विथ सिंगुलर नाउन दिस और दैट सिंगुलर नाउन के साथ में यूज होता है दिस एंड दोज आर दट यूज विथ प्लूरल नाउन फॉर एग्जाम्पल दिस बॉय दैट बॉय हियर वी आर टॉकिंग अबाउट वन बॉय सो वी बिल्यूज दिस एंड दैट मैंगोज क्रिमिनल्स बोथ आर प्लूरल नाउन् सो वी बिल्यूज दीज मैंगोज दोज क्रिमिनल्स ओके नेक्स्ट आर इंट्रोगेटिव एक्जेक्टिवट आर इंट्रोगेटिव एक्जेक्टिटिव वॉट विच एंड आर नाउंस टू आस्क क्वेश्चन ये कौन से एडजेक्टिव होते हैं जैसे वॉट मतलब क्या विच मतलब कौन सा हुज मतलब किसका सो ये किसके साथ यूज होते हैं नाउन्स के साथ यूज होते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए वॉट काइंड ऑफ अ मैन इज ही वो किस तरह का आदमी है सो वॉट इज यूज फॉर अ मैन सो हियर वॉट विच एंड आर इंट्रोगेटिव एट्रैक्टिव जो क्वेश्चन पूछने के नाउन के साथ क्वेश्चन पूछने के काम आते हैं हुज़ बुक इज दिस सो हेयर बुक इज़ अउन सो ये बुक किसकी है सो हुज इज एंड इंट्रोगेटिव एट्रैक्टिव वॉट इज यूज इन जनरल सेंस एंड विच इज़ इन अलेक्टिव सेंस वॉट हम जनरल सेंस के लिए यूज़ करते हैं एंड विच हम सिलेक्टिव चीज़ के बारे में जब बात करते हैं तो हम विच का यूज करते हैं एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव आर यूज टू एक्सप्रेस सडन सरप्राइज पेन एक्सेट्रा एक्सक्लेमेट्री एक्सक्लेमेट्री मतलब ऐसे एडजेक्टिव जो सडन सरप्राइज या फिर ऐसी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं द वर्ड वॉट इज समाइम्स यूज एंड एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव वॉट हमेशा या फिर कभी कबार क्या होता है वॉट हमेशा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव की जगह यूज होता है जैसे वॉट अजीनियस कितना समझदार कितना इंटेलिजेंट पर्सन है सो वॉट अजीनियस वॉट एन आइडिया

माई मींस मेरा योर मीन्स तुम्हारा हिज मतलब इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट अ बॉय हर वी आर टॉकिंग अबाउट अ गर्ल इट्स वी आर टॉकिंग अबाउट अ नॉन लिविंग थिंग और और एन एनिमल अवर मतलब हमारा देयर मतलब उनका ओके आर यूज एट्रीब्यूटली बिफोर अ नाउन ये सब किसके आगे यूज होते हैं एक नाउन के आगे यूज होते हैं उस चीज़ की पोजेशन बताने के लिए ठीक है आई हैव लॉस्ड माई अम्ब्रेला अम्ब्रेला इज अउन ओके आई इज अ प्रोनाउन माई इज अ पॉजिटिव एड्जेक्टिव सो मैं मेरा ब्रैला मतलब मैं मेरा छाता घुमा चुका हूँ वो छाता किसका था मेरा सो हियर माई इज इज अ पॉजिटिव एड्जेक्टिव जॉन हैज़ इन्वाइटेड योर ब्रदर जॉन ने तुम्हारे भाई को भी इन्वाइट किया था जॉन इज अ नेम ऑफ अ बॉय Here invited is a verb your. Your is a possessive adjective. So my, your, his are known as possessive adjectives. Now we will read about that what are difference between possessive adjectives and pronouns. Okay, what is the difference between possessive adjectives and pronouns? In the difference possessive adjectives are possessive adjectives consequences of them my, our, your, his, her, and their. लेकिन पजेसिव प्रोनाउंस कौन से कौन से होते हैं माइन माई की जगह हम माइन का यूज करेंगे पर्टिकुलरली वी आर टॉक ओनली आर सेल्फ योर का योर्स हिज का हिज ही रहेगा हर का हर्ज हो जाएगा ओके फॉर एग्जाम्पल दिस इज अवर कार दिस इज अवर कार्स दिस कार इज अवर्स जब हम नाउन को पहले यूज करेंगे ठीक है सो दिस इज देयर हाउस दिस हाउज देयर्स तो पजेसिव प्रोनाउंस कब होते हैं इज प्लेस इन पजेसिव एडजेक्टिव्स प्लस नॉन पजेसिव एडजेक्टिव्स और नाउन के साथ दोनों के साथ में पजेसिव प्रोनाउंस का यूज किया जाता है द अफोस्ट्रोफी इज नॉट यूज विद दॉलोइंग प्रोनाउम्स कभी भीट्स और देयर्स जो पॉजिटिव प्रोनाउम्स होते हैं इनके साथ कभी भी अफोस्ट्रॉफी का यूज नहीं होता है द एक्सप्रेशन ऑफ माइंड आर्स और हर्स, एक्सेट्रा मीन वन ऑफ माई

here we are denoting apples so it's a demonstrative adjective that boy particularly we are talking about that boy it means it's a demonstrative adjective their house is bigger than ours here we are talking about possession that it there is a possessive adjective which flower do you like the most here we are asking a question it's an interrogative adjective what a huge animal the elephant is here, this sentence ends with an exclamation mark and what huge animal? here is a uh, feeling of surprise. then it's an exclamatory adjective. okay, question number two. insert the missing possessives. here, some options are given, so you have to fill those options in the given fill-ups. This, this is not my pan. it must be yours. here we are showing the possession, then we will use yours.